अनुपमा में आगे दिखाई देगा अनुज परेशान हालत में आतिया को फोन करता है और तब उसे पता चलता है कि श्रुति अस्पताल में भर्ती है। आतिया उसे बार बार इंडिया आने के लिए बोलती है। ये सुनकर अनुज डर जाता है और उसे हौसला रखने को बोलकर फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ तोसु को वही गुंडे पकड़ लेते हैं जिनके लिए उसने चोरी की थी। उनके साथ तोसु की बहस हो जाती है। इस वजह से वो गुंडे काफ़ी मारते हैं। वनराज पहले तो उन गुंडों को काफ़ी मारता है और फिर उन लोगों को पैसे देता है। इसके बाद वो तोसु से सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। इस मौके पर तोसु वनराज को चोरी की सारी बात बता देता है और सच जानकर वनराज हैरान हो जाता है। वो तोसु को बताता है कि अनुपमा यह सब डिजर्व नहीं करती है। हालांकि तोसु यहाँ भी अपनी गलती नहीं मानता। वो बोलता है कि माँ को सिर्फ जेल हुई है लेकिन मैं अगर चोरी नहीं करता तो मैं अपना बेटी और पत्नी को खो देता। ये सुनकर वनराज तोसु को थप्पड़ मारने की धमकी देता है। इस दौरान वनराज बोलता है कि जेल में अनुपमा की क्या हालत हो रही होगी तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हालांकि वनराज तोसु का सच किसी को नहीं बताता और अपने बेटे का साथ देता है। अनुपमा को पैनिक अटैक पड़ेगा, जेल में उसकी हालत खराब होती जाएगी, लेकिन पुलिस ऑफिसर अनुपमा को संभालेगी। इस दौरान यशदीप अनुपमा की बेल करवाता है। तब अनुपमा बाहर आकर बीजी के गले लगकर काफी रोती है। घर जाकर भी अनुपमा का रोना बंद नहीं होता।